हाय गाइस, इट्स अनुवमा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1819। सो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेट बाय लिमिट ऑफ सम्स, वो इंटीग्रल के क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं बाय लिमिट ऑफ सम्स। लिमिट ऑफ सम्स का मीनिंग क्या है कि इसको हमें डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना है, इसको हमें एक फार्मूला अप्लाई करना है, उसकी हेल्प से इंटीग्रेट करना है। और क्या है वो फार्मूला? वो फार्मूला है ए टू बी, दीज आर टू लिमिट्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यानी डेफिनेट इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं बाय लिमिट ऑफ सम्स। क्या फॉर्मूला है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच एफ ए, ए मीन्स जो लोअर लिमिट है, फिर प्लस एफ ए प्लस एच डैश डैश, लास्ट में आपने लेना है एफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच। अगर आप केवल ये फॉर्मूला भी मेंशन कर देते हैं तो हाफ मार्क्स तो आपको वहीं पे अलॉट हो जाएगा। उसके बाद h की वैल्यू क्या है? ये जो हम h यूज कर रहे हैं, दिस h इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। यहां से हम फाइंड करते हैं nh की वैल्यू, और nh की वैल्यू किसके इक्वल होगी? nh इज b माइनस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसमें हमें जो मेन फॉर्मूले यूज करने हैं वो क्या है? इलेवेंथ में एक आपका स्पेशल सीरीज, स्पेशल सिक्वेंस का चैप्टर था, एपीजीपी के लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है, उसमें हम यूज करते थे सिग्मा एन, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहां पे हम यूज करेंगे सिग्मा एन माइनस वन, एन एन माइनस वन अपॉन टू, सिग्मा एन माइनस वन स्क्वायर, एन एन माइनस वन, टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स, एन सिग्मा एन माइनस वन क्यूब, दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, राइट। और एक जीपी में सम का फॉर्मूला, इसको आपने यूज करना है जो ईएक्स वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली तीन ही तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो x की टर्म है, या x स्क्वायर की टर्म है, या e की टर्म है। तीनों क्वेश्चन आपको वन बाय वन क्लियर कर देते हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल 1 to 4 x स्क्वायर माइनस x dx। ठीक है, वॉट इज एफ एक्स? क्या है एफ एक्स? यहां पर एफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एच। वॉट इज एच? एच इज बी माइनस ए अपॉन एन, इंप्लाइज एच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन, इंप्लाइज एन एच। वॉट इज एन एच? एन एच इज 3। सबसे पहले आपने एन एच की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप अप्लाई करेंगे देन 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच एफ ए, एफ ए प्लस एच, और लास्ट में आपने लिखना है एफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच। सबसे पहले लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच एफ ए, ए के प्लेस पर जो आपके पास लोअर लिमिट है वो आपने पुट किया, और लास्ट में आपको मिल गया 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब हमने क्या करना है? जो फंक्शन है हमारे पास, उसको हमने यहां पे एक्स को रिप्लेस करना है 1 से, वो हमें मिल जाएगा फर्स्ट टर्म। फिर हमने एक्स को रिप्लेस करना है 1 प्लस एच से, यानी 1 प्लस एच स्क्वायर और 1 प्लस एच। फिर लास्ट में आपने क्या लिखना है? 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच स्क्वायर और 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच। सिंपली आपने ये 3 टर्म्स कैलकुलेट कर दी। जो फंक्शन गिवन है वहां पे एक्स के प्लेस पर पहले आपने पुट किया 1, फिर पुट किया 1 प्लस एच, फिर पुट किया ये कंप्लीट टर्म, राइट। अब हमने क्या करना है? इन टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कैसे? ये टर्म सॉल्व किया आपने 0, जब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, उस 1 से ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी एक टर्म तो हमें मिल रहा है एच स्क्वायर। जब यहां से 2h और यहां से h सब्ट्रैक्ट होगा तो एक आ जाएगा आपके पास एच। ठीक है, डैश डैश, इसको आप सिंपली एनएथ टर्म लिख के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया यहां पर? अब हम इसके बाद
केवल इस टर्म से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने नहीं देखना है। केवल जो सेकंड टर्म आपने सॉल्व की है उसमें जितने एच स्क्वायर के टर्म हैं वो एज इट इज, और उसके साथ आप लिखेंगे समेशन एन माइनस वन स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से अगर हम एच स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहां पे ब्रैकेट में बचता है वन स्क्वायर, जो नेक्स्ट टर्म होगा दैट इज टू एच होल स्क्वायर, यानी टू स्क्वायर एच स्क्वायर। तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, और लास्ट टर्म से हमें क्या मिलेगा एन माइनस वन स्क्वायर। तो वो टर्म कंबाइंड होके आपके क्या देंगे आपको सिग्मा एन माइनस वन स्क्वायर। उसी टाइप से जो एच वाला टर्म है जितना भी होगा वो उसके साथ आपने लिखना है एन माइनस वन। ठीक है, बस ये स्टेप आपको सॉल्व करना आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपने यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है। अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अब हमने इसके प्लेस पर इसका फॉर्मूला क्या थी वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एच एज इट इज एच स्क्वायर एज इट इज एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स, इसके प्लेस पर जो इसका फॉर्मूला था दैट इज एन एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास n के कितने फैक्टर है मल्टीप्लाई में, थ्री फैक्टर्स। एच स्क्वायर पहले से था, एक एच अगर हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थ्री एच आ गए आपके पास मल्टीप्लाई में। इनको आपने कैसे ऑपरेट करना है हर टर्म पर, एक एन एच के साथ एक एच यहां पे इंटू होगा और एक एच यहां पे इंटू होगा टू एन एच माइनस एच अपॉन सिक्स। यहां पे भी सेम एक एच यहां पर, और ये जो आउटसाइड वाला एच है ये यहां पे इंटू हो जाएगा और अपॉन में टू। अब एनएच की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने, एनएच था हमारे पास थ्री, जहां एच है वहां पे ये लिमिट अप्लाई कर देंगे थ्री, थ्री माइनस जीरो सिक्स माइनस जीरो अपॉन सिक्स, और यहां से थ्री, थ्री माइनस जीरो अपॉन टू, सिक्स सिक्स कैंसिल आउट यानी नाइन प्लस नाइन अपॉन टू यानी ट्वेंटी सेवन अपॉन टू, और ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला टाइप। अब इसी टाइप से अगर क्वेश्चन में ई का कोई फैक्टर इन्वॉल्व होगा तो वहां पे हमें कैसे सॉल्व करना है, उसका थोड़ा सा मेथड चेंज है, बाकी तो सेम इसी टाइप से आपने सॉल्व करना है। जो भी एक्स की जम्स वाला क्वेश्चन है उसमें तो आपने बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड करना है। नेक्स्ट ई वाला क्वेश्चन और देखिएगा, सपोज क्वेश्चन है हमारे पास वन टू थ्री एक्स प्लस ई टू एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर से सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, h की वैल्यू, h इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, मीन्स एन एच इज इक्वल्स टू टू। नाउ वन टू थ्री एक्स प्लस ई टू एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो h, फर्स्ट टर्म पहले आप कंप्लीट फॉर्मूला लिख दीजिए और उसमें लोअर लिमिट a के प्लेस पर, ये आपने फॉर्मूला मेंशन कर। ठीक है, ए के प्लेस पर जो लोअर लिमिट है क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच एफ वन। एफ वन की क्या वैल्यू होगी, जब हम एक्स के प्लेस पर, क्योंकि यहां पे हमारे पास एफ एक्स है एक्स प्लस ई टू एक्स, हमने एक्स को रिप्लेस करना है किससे, वन से, वन प्लस ई टू द पावर टू, दिस इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, वन प्लस एच एक्स के प्लेस पर ई टू द पावर ट्वाइस वन प्लस एच, और जो लास्ट टर्म होगा वन प्लस क्या आएगा उसमें एन माइनस वन इंटू एच, और प्लस में ये पूरा हमने वन प्लस एच किसके प्लेस पर, एक्स के प्लेस पर,
और साथ में e टू दी पावर ट्वाइस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच. क्लियर. अब हमने इसको कैसे प्रोसीड करना है. लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 1 1 इसको हम लिखेंगे n के इक्वल जब हम 1 1 1 को n टर्म्स तक ऐड कर रहे हैं. क्लियर. नेक्स्ट h n माइनस 1 h. h का मीनिंग क्या होगा. h आप कॉमन करेंगे और समेशन में आएगा n माइनस 1. ठीक है. अब आपने क्या किया प्लस जो ये e वाले फैक्टर्स हैं आपके पास इन सब को आपने एक ब्रैकेट में रखना है और ये फॉर्म होगा आपके पास gp. ठीक है. इसको तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 ये h अंदर इंटू हो जाएगा प्लस h स्क्वायर और इसके प्लेस पर n n माइनस 1 अपॉन 2. इसमें हम लिमिट अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे प्लस. अब ये जो लिमिट है हमारे पास h टेंड्स टू 0 h इसमें से हम क्या कर सकते हैं e टू h को कॉमन. e2 को कॉमन किया आपने 1 प्लस e टू h और लास्ट में e2 n माइनस 1 h. ठीक है यहां तक. अब हमने क्या करना है इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है. इसको तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे nh के प्लेस पर 2 दैट इज 2 प्लस एक nh यहां पर और एक h यहां पर 2 2 माइनस 0 अपॉन 2 और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे e2 को आउटसाइड लिया आपने लिमिट h टेंड्स टू 0 h और ये आपका gp फॉर्म होगा जिसमें फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 ए के प्लेस पर 1 और आर के प्लेस पर ई टू एच उसकी पावर क्या होती है एन और अपॉन में ये वैल्यू में. ठीक. ये 2 से ये 2 कैंसिल 2 प्लस 2 4 ई टू द पावर 2 और ये बन गया आपका ई 2 टू ज 4 अपॉन में 1 और इंटू में 2 यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा. दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस ई स्क्वायर ई 4 माइनस 1 अपॉन 2 ये हमें आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो अब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर एक e की टर्म्स में आ सकता है या सिंपल x की टर्म्स में आएगा. इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा बनते ही नहीं है. तो अगर आपको लिमिट ऑफ सम्स के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. बाकी मेरे ख्याल से इसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. ठीक है. तो आज इस वीडियो में इतना ही. बाय बाय. Would you do? Would you do?